हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। गाइस आज मैं देहरादून में हूँ। कल रात को मैं देहरादून में पहुँच गया था। आज हम लोग जा रहे हैं माल देवता घूमने के लिए। लेट्स सी कैसी रहती है हमारी जर्नी। गाइस इस टाइम मौसम भी ज़्यादा ख़राब नहीं है, आई थिंक बारिश भी हो सकती है, बट स्टिल अभी मौसम अच्छा है। तो गाइस लेट्स गो, मिलते हैं फिर बाइक पे। गाइस मैंने सोचा नहीं था कि देहरादून में काफ़ी प्लेन है एज अ चंडीगढ़। मैंने सोचा था कि देहरादून प्रॉपर देहरादून में भी माउंटेन्स होंगे, बट यहाँ पर माउंटेन्स तो नहीं है अभी। तो ये चौक किस तरीके से बनाया हुआ है इन्होंने, चौक के उधर से क्रॉस होके आना चाहिए था। यहाँ पर पता नहीं क्या सिस्टम है, सारे चौक से इधर से ही क्रॉस होते हैं। लाइट से छूटने के बाद इतना मज़ा आता ना यार, ऐसा मन करता कि बाइक को पता नहीं कितना ही भगा दे। वाओ, चलो गाइस उत्तराखंड सरकार वाली गाड़ी में चलते हैं। एज यू कैन सी, अगर कैमरा में कैप्चर हो रहा होगा तो पीछे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स दिख रहे हैं। आई डोंट नो कि कौन सी पहाड़ियाँ हैं। फाइनली ट्रैफिक से थोड़ा दूर आ गए हैं एंड आई थिंक हम लोग थोड़ा पहाड़ों की तरफ को निकल रहे हैं। वाओ, ब्रिज क्रॉसिंग। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ट्रेन की पटरी होगी इसके बीच में। अगेन पेट्रोल पंप, लेकिन अभी अपने बाइक में है पेट्रोल तो हम लोग नहीं डलवाएंगे। हम लोग माउंटेन्स पर पहुंच चुके हैं। एज यू कैन सी मौसम इतना प्यारा हुआ है, ना ही धूप लगी हुई है ना ही बारिश का मौसम। ब्रिज आ गया भाई लोग, माल देवता। ओहो, माउंटेन्स में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। हम लोग पक्के रोड से भी जा सकते हैं, लेकिन गाइस हम लोग चूज कर रहे हैं ऑफ रोडिंग। लेट्स ट्राई ऑफ रोडिंग ऑन R15। वैसे यार R15 पे ऑफ रोडिंग करना थोड़ा टफ रहता है, बिकॉज इसकी सस्पेंशन ज़्यादा अच्छे नहीं है। इस नदी में इतना अच्छा पानी है, व्हाट अ क्लियर वाटर यार। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं इस नदी में नीचे आके। हम लोगों ने सोचा कि कुछ सिनेमैटिक्स यहाँ भी ले लिए जाए आकर। सो गाइस चेक करो,
गाइस अब हम लोग जा रहे हैं इस लोकेशन को छोड़ के। आई होप कि लाइफ में कभी दूसरी बार आ सके। गाइस ये वाला रोड तो कुछ ज़्यादा ही नैरो है। अगर आई थिंक गाड़ी भी आगे से आएगी, इवन कार भी, तो शायद रुकना पड़ सकता है। गाइस फिर से ऑफ रोड स्टार्ट। फिर से ऑफ रोड। धारा होगा, इट इज ऑल्सो कंसेप्ट। आगे चल के हमें पता चलेगा कि इस जगह का नाम सहस्रधारा में जाने के लिए आपको 10 रुपए का शुल्क अदा करना पड़ेगा। यहाँ पर गाइस वही लोग आए सिर्फ जिसको सिर्फ नहाना हो। हेयर इज नथिंग टू सी मोर, जस्ट यहाँ पर सिर्फ नहाने के लिए लोग आ सकते हैं। एज यू कैन सी सिर्फ नहाने के पर्पज से जो आते हैं ओनली वही लोग इस जगह पर आए, बाकी इस जगह पर कुछ भी देखने के लिए नहीं है। अदरवाइज आपके 10 रुपये वो भी वेस्ट होंगे जो आप नीचे एंट्री के लिए दे के आएंगे। सो गाइज फाइनली वी आर इन रूम। गाइज आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बट बहुत ही लॉन्ग डे था, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। सिटी में बाइक चलाने में, मतलब देहरादून के अंदर अंदर बाइक चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, बट स्टिल हम लोग काफ़ी एंजॉय करके आए। बाकी सहस्रधारा वाली जगह मुझे इतने लायक अच्छी नहीं लगी। आगे वाले ब्लॉग का वेट करो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।